आईपीएल 2021 दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर शाहरुख खान की टीम के प्लेयर्स जो कि थे संदीप वारियर और साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों ही पॉजिटिव पाए गए थे कोरोना से। और ऐसे में इनका जो मैच था यानी कि केकेआर वर्सेस आरसीबी का जो मैच था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अब दोस्तों एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, खुद शाहरुख खान एक चीज़ कन्फर्म करते हुए बता रहे हैं उनकी टीम मैनेजमेंट के साथ में, और उनकी टीम मैनेजमेंट का तो अब बयान भी आ चुका है कि वरुण चक्रवर्ती अभी फिर भी थोड़ी सी डिजीनेस और थोड़ा सा वो फीवर को फील कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकवर कर रहे हैं। और संदीप की बात की जाए तो संदीप को तो कोई अब फीवर भी नहीं है, ना कोई दूसरा सिम्टम बचा है। सिर्फ दोस्तों अभी वो इसलिए क्वारंटीन है ताकि अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हों और फिर भी वो वहाँ पर मौजूद हो, यानी कि वो कोरोना वायरस वहाँ पर मौजूद हो, तो वो भी अंदर ही ख़त्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जिस तरीके से उनका ध्यान रखा जा रहा है और अपने इम्यून सिस्टम को वो बूस्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो आईपीएल को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने भी ज़रूर सोचा होगा कि बायो बबल कितना भी ज़्यादा सेफ क्यों ना हो, ये वायरस थोड़ा डेडली ज़रूर है, तो ये ज़रूर इन्फेक्ट तो कर ही सकता है। और अगर यहाँ पर प्लेयर्स की इम्यूनिटी की बात की जाए दोस्तों, तो वो काफ़ी अच्छी है ही, जिस तरीके की डाइट प्लान को यहाँ पर बीसीसीआई ने पहले ही लागू कर दिया था, उसी के हिसाब से यहाँ पर सब चल रहा है और उसी के हिसाब से सारे प्लेयर्स काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। दोस्तों केकेआर के ये दो प्लेयर्स जब पॉजिटिव पाए गए थे तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला मच गया था आईपीएल के पूरे सीज़न को लेकर। अब लेकिन ऐसे में देखना लाजवाब ये होने वाला है कि अब बीसीसीआई किस तरीके से रिस्केड्यूल करती है मैचों को, अब देखना लाजवाब ये भी होगा कि किस तरीके से केकेआर वापसी करती है इसके अंदर। तो दोस्तों अब आपका इस पर क्या कहना है, इस गुड न्यूज़ का काफ़ी केकेआर फैंस को, क्रिकेट फैंस को इंतज़ार रहा होगा। तो दोस्तों अब ये गुड न्यूज़ आ चुकी है, अब आपको इस पर क्या कहना है जल्दी से अपनी राय कमेंट करके बता दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और अपडेट्स सबसे पहले।